जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस का पेपर हुआ है और जो हमने एनालाइज किया है उससे ये हम दावे से कह सकते हैं कि मोर देन 90% जो हमने आपको पढ़ाया था उसी में से आया है। अब देखिए, ये बात तो हमने कह दी पर इसके पीछे प्रूफ क्या है? तो ये जो वीडियो लाया जा रहा है ये इसी आधार पर लाया जा रहा है कि आपको जो साक्ष्य हैं यानी कि जो एविडेंसेस हैं वो हम आपको देने जा रहे हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। ये देखिए, पूछा है ना 1857 की क्रांति का आरंभ होने के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करिए। तो इसी से संबंधित एक पूरा वीडियो दिया गया आपको, ठीक है। वो देखिए, एक स्नैपशॉट आपके सामने रखी गई है और इसमें इस जो ये क्रांति है, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि अगर भारत के एक भारतीय होने के नाते मैं इसे कभी भी विद्रोह नहीं बोलूंगा, मैं इसे क्रांति बोलूंगा। तो इसीलिए ये जो क्रांति है इससे संबंधित जो वीडियो है ऑलरेडी हमने अपलोड किया था और पूरा का पूरा डिस्कशन किया था, सब कुछ बताया था कि इसके कुछ ऐसे कारण थे जो बहुत समय से चले हुए आ रहे थे और कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया, राइट। तो ये बात यहां पर आप देख पाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पर एक प्रश्न आपको मिलता है जिसमें जो जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, ये भारतीय हिंदू दादा भाई नौरोजी, इस तरह के जो हैं जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में यदि स्वदेशी जो आंदोलन था उसमें इनकी क्या भूमिकाएं थी। तो देखिए, इस तरह से एक हमने श्रृंखला बनाई थी जिसमें आपको लेक्चर 7 आपको दिख रहा है जिसमें एक एरा ऑफ मिलिटेंट ये पढ़ाया गया था आपको। तो इसमें एक श्रृंखला थी, जैसे कि हम जानते हैं INC बनता है, ठीक है, और INC कहीं ना कहीं नाकामयाब होता है। जैसे कि बंगाल का जो विभाजन है उसकी जो घोषणा है वो 1903 में ही कर दी गई थी और कहीं ना कहीं जो मॉडरेट्स थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किया इस विभाजन को रोकने के लिए परंतु रोक नहीं पाए। और 2 वर्ष पश्चात यानी कि 1903 में अगर मैं 2 वर्ष जोड़ूं तो 1905 आता है, राइट। तो 1905 में विभाजन हो जाता है। तो इसीलिए हमें दिखता है कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, INC के भीतर ही कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और दो विचारधाराओं में INC का विभाजन हो जाता है जिसे हम एक मॉडरेट्स कहते हैं और एक एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी। फिर हमें आगे दिखता है कि एक नया फिर से विचारधारा बाहर आती है तीसरी, जो कहीं ना कहीं हिंसात्मक होती है, ठीक है, जिसे हम कहीं ना कहीं एक मिलिटेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है और हमने सारी की सारी इससे एक श्रृंखला बनाई थी और उसी में से ये प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो ये भी अटेम्प्ट किए जा सकते थे अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो, राइट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान को अनुप्राणित करने वाले आधारभूत मूल्यों की विवेचना कीजिए। देखिए, अब यहां पर बात की गई है वैल्यूज की। देखिए, वैल्यूज हमेशा क्या होता है, एक फिलोसफिकल मुद्दे होते हैं जब भी बात वैल्यूज की होती है, क्योंकि आप कभी भी वैल्यूज को सिद्ध नहीं कर सकते, ये कोई विज्ञान नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं इसको टेक्निकली आपको समझाऊं तो एक इंपेरिकल स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक विज्ञान की बात करते हैं जिसमें आपको सिद्ध करना होता है, ठीक है, जो किसी भी वस्तु को डिस्क्राइब कर सकते हैं। परंतु जब बात मूल्यों की होती है, वैल्यूज की होती है, वर्च्यूज की होती है, गुण की होती है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें आप सिद्ध कभी नहीं कर सकते, राइट। बस ये जो मूल्यों की बातें होती है, वैल्यूज की बातें होती हैं, ये किसी भी जो गलत परिस्थिति है उसको सही किया जाता है इस मूल्यों के द्वारा। तो ये मूल्यों वाला प्रश्न पूछा गया था। तो यहां पर देखिए, ये कभी भी आपको किसी किताब में प्रत्यक्ष रूप से कभी मिल ही नहीं सकता। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि सिविल सर्विसेज के जो पेपर होते हैं, चाहे वो केंद्र स्तर का है चाहे वो राज्य स्तर के, कि जो आयोग है अपने जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे अपेक्षा रखता है कि वो कहीं ना कहीं एक जो किताबों का निचोड़ होता है यानी कि जो मूल्य होता है उस पर कहीं ना कहीं भली भांति उससे परिचित हो। तो यहीं से ये प्रश्न आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, इसमें से कुछ आपके समक्ष में रख रहा हूँ। जैसे कि एक मुद्दा है आपका जिसे हम कहते हैं कि जो एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है, ठीक है। नॉमिनल हेड, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो नॉमिनल हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है और जो रियल हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो प्रधानमंत्री है वो एक सरकार का मुखिया है ना। जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। और सरकार को आप देख सकते हैं, अरे, क्योंकि सरकार की अपनी परिषद होती है, अभी ना उसका अपना कैबिनेट मंत्रालय होता है, तो आप सब देख सकते हैं, राइट। परंतु जो राज्य है, अब राज्य से मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आपका हरियाणा, राजस्थान, इस तरह से नहीं, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, जो स्टेट होता है, ठीक है। जैसे भारत एक राज्य है, तो मैं राज्य की बात करूँ तो राज्य कभी भी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो एक परिकल्पना है। तो परिकल्पना का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रपति है उसे हम क्या कहते हैं? हेड ऑफ द स्टेट। और स्टेट क्या है? परिकल्पना है। तो इसीलिए जो राष्ट्रपति है उसको हमने एक नॉमिनल हेड माना है। तो इस तरह के जो मूल्य है
ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक वीडियो हमने इसमें बनाया था और इसी में जो दूसरा वीडियो है वो भी हम मूल्य से जोड़ सकते हैं, जो बात करता है संविधानवाद और संविधान की, जो बात करता है संविधानवाद और संविधान की। देखिए संविधानवाद और संविधान में क्या फर्क होता है, जब मैं संविधान में आत्मा डाल देता हूं तो वो संविधानवाद होता है। आत्मा क्या होती है, आत्मा मतलब कि जो संविधान है वो नैतिकता के आधार पर हमेशा खरा रहे, ठीक है, और उसे कौन रखता है, उसे रखती है न्यायपालिका। क्या ऐसा कोई देश है जहां पर जो संविधान है परंतु वहां संविधानवाद नहीं है? बिल्कुल है, जैसे उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया में आप जानते हैं सारी की सारी शक्ति वहां का जो शासक है जिसे आप किम योंग जोंग कहते हैं उसके पास है, और वह संविधान नैतिकता के आधार पर भी खरा नहीं उतर पाता है, ठीक है। परंतु भारत को आप देखिए, भारत में संविधानवाद है। क्यों? क्योंकि आपको भारत में दिखता है कि संविधान के साथ कभी भी कभी छेड़छाड़ की जाती है, कभी भी विधायिका द्वारा, जो कहीं ना कहीं अनैतिक हो सकता है, जो संविधान के जो मूल सिद्धांतों के विरुद्ध होता है। तो वहां पर आपने देखा है कि न्यायपालिका हमेशा मौजूद होता है और कहीं ना कहीं उस कानून को क्या कर देता है, बिल्कुल निष्कासित कर देता है, राइट। इसका उदाहरण है आपका 99th अमेंडमेंट, जो बात करता था एनजीएसी की, ठीक है। क्योंकि एनजीएसी क्या करता है, जो मूल सिद्धांत है, जो अनुच्छेद 50 में शक्तियों का विभाजन है कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य, उसको कहीं ना कहीं छेड़ रहा था कौन, विधायिका, अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके। परंतु वहां पर न्यायपालिका आती है और कहीं ना कहीं जो 99 संशोधन था उसको क्या करती है, निष्कासित, खारिज कर देती है। तो ये होता है संविधानवाद। और ये भी याद रखनी है आपने कि संविधानवाद का मतलब होता है कि संविधान तो वहां है ही, ठीक है, परंतु जहां संविधान है वहां पर ये जरूरी नहीं है कि संविधानवाद होगा, राइट। ये बात आप यहां, तो इससे भी संबंधित पूरा आपको एक वीडियो दिया गया था। और यहां पर आप देखेंगे एक क्वेश्चन नंबर 12 है जो जीएसटी की बात कर रहा था। तो ये देखिए, अभी हमने एंड पे एक लास्ट एंड प्रिपरेशन की शुरुआत की थी, जिसमें हम अपने तजुर्बे के हिसाब से और जितना भी जो एक साल भर की जो न्यूज़ चल रही थी उसी के आधार पे आपको एक अपने अनुभव से आपको मार्गदर्शन कर रहे थे। और देखिए अनुभव के साथ जब मार्गदर्शन किया जाता है तो वो पूरी तरह फलीभूत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, राइट, तो डायरेक्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आया है जीएसटी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी डिस्कस किया गया था कि जीएसटी जो परिषद है वो एक संवैधानिक परिषद है, और अगर ये संवैधानिक परिषद है तो इससे संबंधित अनुच्छेद भी होगा, और वो कहाँ पर है, आर्टिकल 279A फॉर एप्पल, क्योंकि संशोधन से हमेशा ABCD आपको मिलता है, ठीक है, या हिंदी में से 279 कहेंगे, राइट। तो ये भी डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि आपसे जो प्रश्न नंबर 13 है जिसमें नीति आयोग पूछा गया था, देखिए यहाँ पर आपको एक इसी से संबंधित एक वीडियो मिलेगा, पूरा का पूरा मोर देन आई गेट करीबन 24 मिनट का वीडियो है, देखें जिसमें तुलना की गई थी एक नीति आयोग और जो प्लानिंग कमीशन है उसकी। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो तुलना होती है, अगर हम विषय में तुलना करना सीख जाते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिन की अहमियत तभी होगी जब आपको रात का पता होगा, ठीक है। तो तुलना जब भी की जाती है उसके द्वारा हम उस विषय को ज़्यादा समझ पाते हैं, राइट। तो एक तुलना की गई थी, राइट। तो देखिए जिसने भी ये वीडियो देखा है वो ईजिली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मणिपुर वाला, ठीक है। अब देखिए इससे हमें ये भी पता चलता है, जो बात पता है एक व्यक्तिगत तौर पे मुझे एक बात पता है कि बताई गई थी किसी ने कि कुछ जब आयोग जब पेपर बनाता है तो कुछ क्वेश्चंस को वो ब्लैंक छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर उसमें करंट के जो मुद्दे हैं उनको डाला जाता है। तो यहां से पता चल रहा है अभी ये जो विवाद है ज्यादा पुराना भी नहीं, आप जानते हैं मणिपुर वाला, ठीक है, जहां पर ये एक शर्मसार घटना हुई थी, ठीक है। तो यहां पर इससे संबंधित पूरा वीडियो बनाया गया था जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है, राइट, और उसमें सारा बताया गया था कि किस तरह से जो कुकी जुमी है जिनको वहां पर आरक्षण प्राप्त है और जहां पर मेतीस ने यह आवाज उठाई है कि उनको आरक्षण दिया जाए, तो इस वजह से जो कुकी जुमी है वो नाराज हो जाते हैं। तो एक तरह का हमें कहीं ना कहीं दिखता है एक आरक्षण को लेके हमें युद्ध दिखता है दो कम्युनिटी के बीच में, दो समुदाय के बीच में, वो है समुदाय आपका एक कुकी जुमी और एक तरफ है मेतीस, ठीक है। तो इस संबंध में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, राइट, तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, इसी से आपसे प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर देखिए कि कुछ प्रश्न पूछा गया इससे कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, यानी कि साथ रखने और साथ आने का जो ये संवाद है इसके बारे में पूछा गया। देखिए इससे संबंधित वीडियो बनाया था क्योंकि वीडियोस काफी हो गए तो ये वीडियो मिल नहीं पा रहा था, परंतु मैं आपको बताता हूं इसमें ये सिंपल सी ये आपसे पूछ रहा है कि परिसंघ और संघ के बारे में पूछ रहा है। थोड़ा सा उसने घुमा दिया है, पर अगर आपको परिसंघ और संघ पता है तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते थे। जैसे परिसंघ क्या होता है, परिसंघ का जो उदाहरण है वो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और संघ का उदाहरण काफी है परंतु हम भारत को लेंगे, इंडिया है। यूएसए आप जानते हैं 1776 में आजाद हुआ था, राइट, क्योंकि ये भी एक कॉलोनी था परंतु 1776 में आजाद हो चुका था। और इसने क्या किया था, जब उस समय 13 प्रांतें थी, ठीक है, इस तरह से 13 प्रांतें थी, 13 प्रांतों ने मिलकर एक संघ बनाया, यानी कि अपने आपको यूनाइट किया, ठीक है,
और ये कहा गया कि ये सब एक कहलाएंगे, अब क्या कहलाएंगे, यूनाइटेड, यानी कि क्या कहलाएंगे, एक परिसंघ कहलाएंगे, कॉन्फेडरेशन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, परिसंघ को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फेडरेशन। यानी कि यहां से हम क्या सीखे, इन 13 ने मिलकर क्या बनाया, एक परिसंघ, ठीक है। और यानी कि ज्यादा शक्ति किसके पास है, इन प्रांतों के पास, और प्रांतों को ये अधिकार है कभी भी इस परिसंघ से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि बनाया इन्हीं ने, ठीक है, क्योंकि इनके बीच समझौता हुआ है, इनके बीच समझौता हुआ है। अगर समझौता होता है तो समझौता को तोड़ा भी जा सकता है, ये कानून कहता है, ठीक है। यहीं पर आप देखिए, भारत की बात मैं करूं तो भारत में क्या था, आप जानते हैं भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो 552 राजा रजवाड़े वाले जो प्रांत हैं वो थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें से आप जानते हैं जो 549 जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने तो कह दिया था कि हम भारत से जुड़ना चाहते हैं, परंतु जो तीन है, जो आपके जूनागढ़ है, हैदराबाद है, और जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, उसको कहीं ना कहीं जो हमारे लौह पुरुष हैं उन्होंने काफी समझदारी के साथ भारत के साथ मिलाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ रखनी है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे जो भारत की स्थिति, अगर मैं बोलूँ तो ये एक जो संघ है, संघ ने सभी प्रांतों को बनाया, ठीक है, क्योंकि जब हमारा संविधान पास हो जाता है, जब 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, तब हमें क्या दिखता है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14, यानी कि 552 थे, इनको एक किया, कितनों को एक करके, जो अंत में हमें क्या दिखते हैं, 14 राज्य दिखते हैं, राइट। तो देखिए सब कुछ एक किया है, किसने किया है, इस संघ ने। तो यहां पर कोई भी समझौता नहीं हुआ है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो यानी कि हम क्या सीखते हैं, जो प्रांत है ये इससे बाहर नहीं आ सकते, इनके पास ये अधिकार नहीं है। तो यहां पर क्या है, कमिंग टुगेदर, यहां पर ये चलता है, यूएसए वाला, सब एक साथ आए हैं। और क्या है होल्डिंग टुगेदर, मतलब क्या होता है, इस संघ ने सबको क्या कर बांध के रखा हुआ है। तो ये आपसे पूछा गया, राइट। आगे देखते हैं, ये ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया जा चुका मणिपुर वाला, राइट। तो देखिए अब आगे क्या होगा, जैसे दो तरह के यहां पर एस्पिरेंट होंगे, एक जिनका पेपर अच्छा गया है तो वो ऑब्वियसली इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, और वो भी गोयला क्लासेस बहुत जल्द ला रहा है, कि इंटरव्यू से संबंधित जो कोर्स है वो भी ला रहा है, किस तरह से आपने इंटरव्यू फेस करना है, क्या आपने तैयारी करनी है, क्या नहीं करना है, राइट। और एक दूसरी तरह का जो एस्पिरेंट होगा वो क्या करेगा कि हो सकता है क्विट कर जाए, ठीक है, तो कभी नहीं करना है, ठीक है, कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार। तो अगली बार के लिए आप देखिएगा कि जो गोयला क्लासेस है वो 2024 के लिए कोर्स लॉन्च कर रहा है बहुत जल्द। और यहां पर आप देखेंगे कि गोयला क्लासेस में आपको इस बार ऑप्शनल भी मिलेंगे, राइट। और ऑप्शनल केवल आपको मात्र कितने का पड़ेगा, 24,999 का मात्र, ओनली। और यहां पर आप देख रहे होंगे जो यहां पर कंप्लीट जीएस सेक्शन है आपका, प्लस इंग्लिश हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका, वो भी आपको मात्र कितने का पड़ेगा, 24,999, इसमें आपको ऑप्शनल नहीं पढ़ाया जाएगा। अब देखिए अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, यानी कि फाउंडेशन से लेके पूरा ऑप्शनल भी पढ़ना, ठीक है, तो ये भी आपको अवेलेबल है। यहां पर आप देख रहे होंगे इट विल कॉस्ट यू ओनली 39,999, यानी कि बिलो 40,000। और हमेशा याद रखिएगा कि जब आप शिक्षा में पैसा खर्च करते हैं तो कभी भी वो लाइबिलिटीज नहीं होता है, वो हमेशा असेट होता है, ठीक है, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर स्किल डेवलप करेगा, और स्किल को कभी आपने ताला नहीं लगाना होता है, ठीक है, यानी कि कोई चोरी होने का खतरा नहीं होता है। और स्किल से आप क्या करते हैं, अगर मैं मॉनेटरी वाइज बोलूं तो काफी पैसा भी कमा सकते हैं, राइट, और अपने आप को समाज में एक बेहतर भी ला सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे अब ये क्वेश्चन है कि सर ये चार बात दो, ये जो चार है इसमें सभी जो मूल्य है वो एक सा क्यों है, और इसी बात को चार बार क्यों लिखा गया, इसलिए लिखा गया क्योंकि हमारे पास अभी जो वर्तमान में जो ऑप्शन अवेलेबल है वो चार हैं, वो है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, राइट। और जितने भी ऑप्शन वो बहुत जल्द आने वाले हैं, फिलहाल वर्तमान में चार ऑप्शनल है, जो मात्र आपको पड़ेगा कितने का, 39,999 ओनली, राइट। और ये हमारा देखिए कुछ रिजल्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे, और इस साल भी आपको बहुत जल्द इंटरव्यू के बाद कुछ नए चेहरे और दिखने वाले हैं, यहां पर कुछ और फोटोज दिखने वाली हैं बहुत जल्द, और आप अगर आप सोचेंगे तो आपकी भी फोटो इसमें होगी, राइट, बस सोच का फर्क है, ठीक है। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसमें हम जितना भी हमारा कंटेंट होता है उसको अपलोड करते हैं, तो आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन करिए, और जो सच में तैयारी करते हैं उनके साथ भी शेयर करिए, ठीक है, और यहां पर ये जो कंटेंट है आपकी जो तैयारी है उसको काफी बेहतर बनाएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर जो एक एनालाइज किया गया था वो आपको पसंद आया होगा, और यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद। हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं वेलकम करती हूँ। तो आप सभी का आज अच्छा पेपर हुआ होगा, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, एक रास्ते बंद होते हैं हजार रास्ते खुल जाते हैं। तो देखते हैं आज के जो सवाल जो आए उसमें इकोनॉमी के कितने क्वेश्चंस आए और हमने कौन से आपको कराए थे। अगर आपने हमारे यूट्यूब वीडियोज भी देखे होते तो भी आपका आसानी से क्लियर हो जाता, राइट। ये देखते हैं आपको हम ये भी दिखाएंगे कि हमारे जो बच्चों
बच्चों ने कोर्स लिया उनका क्या रहा, उनसे क्वेश्चंस क्या आए हैं और हमने जो यूट्यूब पे कराए हैं वो कौन से हैं, राइट। तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि हम SCS जो है मेंस की तैयारी करा रहे थे, आपके पास एक क्वेश्चंस डेली आता था सारे एक सब्जेक्ट्स के, तो उसी में से क्वेश्चंस देखेंगे इकोनॉमी के। इस प्रकार से आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके एनालाइज आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेट आया मतलब ये अब इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहा, तो हम वेट का अब करंट सिनेरियो में कोई वो नहीं है कि वो पूछेंगे। तो इसी से वेट से रिलेटेड मैंने आपको उस क्लास में बोला भी था कि वेट नहीं आएगा, अब आएगा GST। आप GST को करके जाए, पक्का ये क्वेश्चन आएगा और देखिए ये आ चुका है, राइट। गेम चेंजर बताया हुआ है, कैसे इसमें फीचर्स आपने बताना है कि कैसे आया है जो GST है उसमें गेम चेंजर, इकोनॉमी में क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सर्वे से आपने डाटा लिखना है कि अगर हम डाटा देखें तो गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आती है, GST से आती है। तो इस प्रकार से आप डाटा लिखते हुए, और ये देखिए हमने आपको सब कुछ बताया, यहीं पे ये रिफॉर्म ही तो बताना है कि क्या रिफॉर्म, क्या चेंजेस आए। तो मैंने आप सबको पॉइंट्स बताए थे, ये कॉमन जो है नेशनल मार्केट, क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट होगा, जो है कास्केडिंग इफेक्ट, ये वर्ड लिखते बहुत इम्पैक्ट डालता, रिडक्शन ऑफ टैक्स बर्डन जो हो गया वो कम। हमें लगता है कि हमारा जो है टैक्स हम बहुत पे करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारा टैक्स बेस जो होता है सिर्फ 17% है और होना चाहिए 25%, ये भी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स अगर आप लिख के आते तो आपके लिए जो है क्वेश्चन बहुत ईजी और अच्छा इम्पैक्ट डालता। सारे ये तो मैंने आपको तीन ये हैं प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको बताए हैं कि तीन आपका पॉइंट्स ऐसे मैंने बहुत सारे रिफॉर्म्स के पॉइंट्स बताए हैं। आपने ये भी बताया था आपको कि सर्वे से आपने लिखना है, वो ग्राफ आपने बनाना है कि रुपीस कहाँ कहाँ से आती हैं गवर्नमेंट के पास, ओके। फिर आपने इसमें देखना है कौन से इंट्रोडक्शन में कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू आया, ये भी बताया। उसके बाद आपने ये लिखना था कि अब क्या है, लास्ट में कंक्लूज करते हुए चैलेंजेस भी लिख सकते थे, राइट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जिस स्टूडेंट ने देखा है वो हम सोचते हैं कि उन्होंने अच्छा लिख के आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको नीति आयोग के बारे में बताना है, फंक्शन मतलब नीति आयोग क्या होता है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे नीति आयोग से और इसका डिस्कस करना है मेजर अल्टरनेटिव, मतलब कि इसका आने का क्या मकसद है, राइट। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत डायनेमिक अप्रोच रखते हैं नीति आयोग। तो ये आपका क्या है, हमारी क्लास में आपको कराया गया है, ये देख सकते हैं हमने ये क्वेश्चन कराया हुआ है जिस स्टूडेंट ने हमारे कोर्सेज लिया है, राइट। नीति आयोग की ब्रीफ हिस्ट्री बताइए और इसमें आपको ये क्वेश्चन बना के, अब क्या होता है, मैं जब भी आपको क्वेश्चन कराती थी तो मैं यही बोलती थी क्या होगा, वर्डिंग चेंज हो जाएंगी बट पॉइंट्स वही रहेंगे स्टूडेंट, नाम चेंज कर दिया है बट पूछा तो नीति आयोग के बारे में, और पूछा क्या है उसमें बताया क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, फंक्शंस बताने हैं जो कि प्लानिंग प्रोसेस सही हो। तो देखिए यहाँ पे स्टेट का पार्टिसिपेशन है, डायनेमिक है, रियलिस्टिक है, पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे है टीम इंडिया, नॉलेज हब है, यहाँ पे फंड एलोकेट नहीं किया जाता है, यहाँ पे सजेशन दिया जाता है, जो बीमारी है वही दी जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना था, हर एक पॉइंट देखिए। अब अगर आप पॉइंट्स लिखना चाहें तो मैंने पॉइंट्स भी लिखाया था कि ये क्या है, पहले इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा आप कंपैरिजन कर ले प्लानिंग कमीशन, ज़्यादा क्योंकि कंपैरिजन पे आपने फोकस नहीं करना है, आपने क्या करना है कंपैरिजन किस प्रकार से विन है थोड़ा सा बता देना है, डेट्स वगैरह, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आप लिखते तो सही होता। जैसे कि देखिए नीति आयोग का इंट्रोडक्शन हो गया, कंपैरिजन हो गया, उसके बाद डिसेंट्रलाइज, ये सारे आपको पॉइंट्स दिए गए थे हमारे द्वारा, फ्लेक्सिबिलिटी है ये वर्ड रखिए, इंक्लूसिव वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ है, राइट। और यहाँ पे पहले क्या होता था, पांच
ईयर का प्लान और उसी को हम फॉलो किए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अब इकोनॉमी में वो चीज़ की जरूरत नहीं है फिर भी कर रहे हैं, एक किया दूसरे पे हम शिफ्ट हो गए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 3 ईयर का है, 7 ईयर का है, 15 ईयर, छोटे रोलिंग प्लान से पर्सपेक्टिव प्लान की तरफ जाएंगे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह आप लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको कराए गए थे। तो देखिए ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार अब चलते हैं नेक्स्ट आपका है, ये देखिए ये सारे पॉइंट्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगी, स्पेशल कंसिडरेशन होगा, सेक्शन ऑफ सोसाइटी मिलकर टारगेटेड अप्रोच होंगी, लॉन्ग टर्म होगी पॉलिसी, राइट। छोटे छोटे पॉलिसी से हम माइक्रो से माक्रो की तरफ जाएंगे, ऐसे वर्ड नॉलेज, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट्स होंगे, राइट, जो भी स्टूडेंट हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, ये सारे वर्ड्स लिखते आपके कोई भी मार्क्स कटने नहीं थे। अब बात करते हैं G20 से सवाल आया है, तो ये भी हमने एक्सटर्नल इकोनॉमी में बात करी थी, हमने आपको बताया था क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी मिली है तो आप लोगों ने ये करके जाना। अब देखिए ये हमारे जो हैं, हमारे जिन बच्चों ने हमारा कोर्स लिया था उसके क्लास नोट्स हैं, हमने क्लास में कराया, और अभी जो हमारी इनिशिएटिव लास्ट डे प्रिपरेशन चल रही थी उसमें भी मैंने आपको G20 के बारे में जिक्र की कि आपको आएगा। उसके साथ साथ मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे कि इंडिया की प्रायोरिटी एरिया क्या है, उसमें क्या करेंगे, इंडिया की एक्टिविटी पूछ रहे हैं आप, यहाँ पे स्लोगन कोड करके आएंगे, इंडिया क्या क्या कर रहा है, क्या सिनारियो है, चैलेंजेस भी मैंने आपको बताया था कि आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो ये देखिए जो सवाल आपको बताए गए थे वही। अब बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ये भी आप हमारे द्वारा आपको रिकमेंड किया गया था कि इसको जरूर पढ़ के आए, क्योंकि हम पहले कोठारी कमीशन को फॉलो करते थे, अब हम नेशनल एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, जैसे कि अब 5+3+3+4 अप्रोच है, ओके। और इसको हम मैंने आपको सर्वे में भी PM श्री जो है एक स्कीम है उसके तहत ही इसको लिंक किया गया, और ये फिलहाल ही आपको लास्ट वीक में करंट अफेयर में भी आपको कराया गया है, ओके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बताया, PM श्री जो है स्कूल है, जो कि मैंने आपको बोला भी था PM श्री आपके प्रिलिम में आ गया है तो मेन्स में भी आ सकता है, तो इसको पढ़ के जाएंगे। तो दिख रहे हैं कि आपको किस प्रकार से हमारे जो गोयला क्लासेस में जो टीचर्स फैकल्टी आपको बताती हैं उसी प्रकार से क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। अब जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं 2021 के लिए, एक इंफॉर्मेशन है कि वो हमारे फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आप देख भी रहे हैं किस प्रकार से हम जो सवाल करते हैं कराते हैं वही वो आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शनल, मतलब कि सिर्फ GS नहीं और सिर्फ ऑप्शनल नहीं, आपको कंबाइंड भी पढ़ाएंगे, बेसिकली तो आपको कंबाइंड लेना चाहिए, आप दो दो ऐसे करोगे तो आपकी क्या होगी, स्टैटिक अप्रोच नहीं बन पाएगी, राइट। तो आप एक, मतलब कि हम आपको उंगली पकड़ा के आपके मंजिल तक लेके जाएंगे, ये बात है। तो यहाँ पे ऑप्शनल, ऑप्शनल भी है प्लस GS भी है, जो कि 24999 में आपको कॉस्ट पड़ेगी। अब दोनों कंबाइन लेना चाहते हैं तो वो आपको 39999 में आपको पड़ेगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये कुछ हमारे प्रीवियस रिजल्ट हैं, जो कि इस बार जो रिजल्ट है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो देख प्रकार देख रहे हैं आप किस प्रकार गोयला क्लासेस के रिजल्ट्स जो भी हर ईयर में आते हैं, राइट। ये जो हमारे इनिशिएटिव, मतलब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है, राइट, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ये जो है सिलसिला जारी रहेगा, आप गोयला क्लासेस के साथ बने रहे, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। हम बात करेंगे आज जो एग्जाम हुआ है HS मेंस का, उसमें जो जनरल स्टडीज का पेपर था उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कहाँ कहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट से ये जो सवाल हैं पूछे गए हैं, और ये जो क्वेश्चन आज के पेपर में आपको देखने को मिले हैं ये हमने कौन कौन से टॉपिक जो हैं अपने जो लेक्चर्स हैं
चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो या फिर हमारे जो वेबसाइट है पोर्टल के लेक्चर्स हैं उनके थ्रू करवाए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे क्वाड के बारे में। अगर आप जीएस पेपर को आज का एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इंडिया के रिलेशन विद दी अदर कंट्रीज या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर कई सवाल पूछे गए हैं। उन्हीं में से जो पहला क्वेश्चन था वो आपका, अगर हम बात करें आईआर की, तो उसमें क्वाड के ऊपर जो आपका क्वेश्चन था वो आया गया था। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपका मेंस का एग्जाम था उससे 2-4 दिन पहले हमने आपसे डिस्कस किया था कि क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हमने जो अपने यूट्यूब पर जो लेक्चर था उसमें ये बताया था कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करना है। तो यही सवाल आपका जीएस के पेपर में भी आपको देखने को मिलता है, इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द क्वाड, इसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, जो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वो है इंडिया की एनर्जी नीड्स के ऊपर। सो इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था और यही जो टॉपिक था इसी से रिलेटेड हमने भी अपना जो आपका जो यूट्यूब के अंदर लेक्चर्स है उसमें डिस्कस किया था कि किस तरह की जो इंडिया की नीड्स हैं, कोयला हो गया या फिर क्रूड ऑयल हो गया, उससे इंडिया को जो बदलाव की ज़रूरत है। और इन फ्यूचर जैसे कि 2030 का जिक्र किया गया था कि उसमें जो इंडिया ने टारगेट सेट किया गया है इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस तरह से इंडिया अचीव कर सकता है। तो ये सारे डिस्कशन हमारे इस लेक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगी जो हमने प्रीवियसली करवाया था। आगे अगर बात करें, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था। जीएस का पेपर कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, सब कुछ वो टॉपिक्स थे जो ऑलरेडी आपके करंट में चल रहे थे। सो उसी में अगर आप देखेंगे रशिया यूक्रेन के जो टॉपिक था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा ऑलरेडी जो हमारा यूट्यूब पे जो वीडियोस थी उसके अंदर ये करवाया गया था रशिया यूक्रेन की वॉर के ऊपर, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे अगर बात करें, ये हमारा एक लेक्चर था डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और ये जो लेक्चर था ये हमारे पोर्टल पे था, जो हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोर्स बाय किया था उनके लिए स्पेसिफिकली ये टॉपिक था। और उसमें हमने ये जो आज का आपका क्वेश्चन आया था पेरिनियल फ्लड्स, जो अभी रिसेंट टॉपिक देखने को मिलता है आपको न्यूज़ के अंदर कि बहुत सारे जो फ्लड्स हैं वो आ रहे हैं, उनके बारे में जो चर्चा थी इस लेक्चर के अंदर हमने की थी। और हमने इसमें बात की थी कि किस तरह से डिजास्टर रेजिलिएंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद बनाने से आपके जो ये फ्लड्स आते हैं फ्रिक्वेंट, इनसे जो हानि होती है या फिर जो इकोनॉमिक लॉस होता है उसको कम किया जा सकता है। और यही सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था जिसमें बात की गई थी कि किस तरह से आपको सजेस्ट करना था कि पेरिनियल फ्लड्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में क्यों आ रहे हैं। देखिए, दो टॉपिक कंबाइंड है यहाँ पर, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द पेरिनियल फ्लड्स, दो टॉपिक है यहाँ पर। पहले तो रीज़न बताना था आपको कि क्यों जो फ्लड्स है भारत के अंदर आ रहे हैं, और उसके बाद आपको ये बताना था कि वो रेमेडीज क्या है, किस तरह से हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनको यूज़ करके हम ये जो इन फ्लड्स की वजह से जो परेशानियां होती हैं उनको कम किया जा सकता है। 10 नंबर में क्वेश्चन था और ये हमने सारा डिस्कस किया था एक डिजास्टर रिलेजेंट आपका जो लेक्चर था उसके अंदर। और हमने एक अलग से लेक्चर भी लिया था जिसमें हमने कॉजेज बताए थे कि क्यों ये जो फ्रिक्वेंट फ्लड्स हैं देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल, ये एग्रीकल्चर के ऊपर आपका क्वेश्चन था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का टॉपिक है आपका रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन वाला, उसमें जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये जो जिक्र है देखने को मिलता है कि किस तरह से जो रोड है वो आपका एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में इंडिया में हेल्प कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात की है अपने जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में, भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, कि किस तरह से जो रोड्स हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो नए नेशनल हाईवेज हैं वो बनाए जा रहे हैं। और ये सब क्यों बनाए जा रहे हैं, रोड और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें डेवलपमेंट क्यों की जा रही है, ताकि जो डेवलपमेंट है उसका फ़ायदा, रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो डेवलपमेंट है उसका फ़ायदा एग्रीकल्चर में भी देखने को मिले, प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी देखने को मिले। तो ये बड़े डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है हमारे द्वारा हमारे पोर्टल पे, वहाँ पर ये लेक्चर अवेलेबल है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, ये आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ऊपर, और इस बार फिर से ये सवाल जो है हमें देखने को मिलता है जीएस के पेपर के अंदर। थोड़ा सा डिफरेंस है, जहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो आपका इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस देखने को मिल रही हैं या फिर किस तरह से जो बदलाव है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में हो सकते हैं,
उनके ऊपर ये सवाल पूछा गया है, हाउ हैज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इवॉल्व्ड ओवर बीइंग सीन एज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस टू अ गारंटी ऑफ पीस पर्टिकुलरली इन द साउथ एशिया। उसके ऊपर ये जो सवाल है पूछा गया है, और ये जो जिक्र है इस सवाल के डिस्कशन है हमने अपने जो लेक्चर्स है उनके अंदर किया है, HCS मेंस आंसर राइटिंग के अंदर। ये आप जो लेक्चर है उसको यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हमने इसके अंदर बड़े डिटेल में बताया था कि किस तरह से इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो इवॉल्व हुई है विद द पासेज ऑफ टाइम, जब से न्यूक्लियर वेपन्स जो इंडिया ने है अपने बनाए थे उसके बाद से लेकर आज तक 2023 की अगर हम बात करें, तो ये सब चीज़ें जो थी हमने अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की थी। आगे अगर बात करें, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 2024 के HCS एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं जो कि आपको हमारी साइट से आप एक्सेस कर सकते हैं, हमारी मोबाइल ऐप है गोयला क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे, उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज की अगर फीस की मैं बात करूं, तो अगर आप ऑप्शनल ओनली उसी की कोचिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको 24,999 पे करने होंगे, जिसमें आपको पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ GS का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, वो कोर्स भी आपका 24,999 में आपको पड़ेगा और इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा। अगर आप GS प्लस ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी या इकोनॉमी, तो उसका जो कोर्स की फीस रहेगी वो 39,999 रहेगी। इसके अंदर आपका कंप्लीट GS का कोर्स होगा, स्टडी मटेरियल होगा, टेस्ट सीरीज होगी, और साथ में आपका जो ऑप्शनल होगा वो भी करवाया जाएगा। ये हमारे कुछ रिजल्ट है जो कि आप देख सकते हैं हमने स्टेट PCS और UPSC के अंदर अचीव किए हैं, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका जो 2024 का एग्ज़ाम होगा उसमें आप जो अपनी प्रिपरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, और आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। कुछ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, धन्यवाद।